जी एक्चुअली कहीं ना कहीं एक बैकअप द माइंड में टेंशन था, विवान अपना फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उनका फ़ोन बंद आ रहा था, देन आई केम हियर। फिर मुझे यही डर रहता है हमेशा कि रौनक और विवान साथ में हैं, कहीं मेरी सच्चाई बाहर ना आ जाए कि मैंने रौनक के सर पे बंदूक रख के उनसे नौकरी निकलवाई थी विवान के लिए। तो आई रीच देयर और वो दिखते नहीं है कैबिन में जहाँ मैं उन्हें एक्सपेक्ट करी थी। प्यून थे, प्यून ने भी कहा कि सुबह से नहीं दिखा या देखा ही नहीं है। देन आई मेट रौनक, रौनक ने भी कहा कि आई डोंट नो। देन वो फ़ोन लगाता है तो जैसे ही विवान रौनक से तो बात करता है, पर जैसे ही रौनक मुझे फ़ोन देते वो फ़ोन काट देते मेरी आवाज़ सुनते। तो आई गेट मोस्ट स्कैर्ड कि कहीं वो सच्चाई बाहर तो नहीं आ गई, बिकॉज विवान हमेशा मुझ पर बहुत यही दिखाते कि मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, वो वाकई में मुझ पर भरोसा करते। तो मैं वो भरोसा नहीं चाहती थी टूटे, लेकिन मैं उन्हें वो बात भी बताना चाहती थी, लेकिन इस तरह किसी और के थ्रू पता लगना इज लाइक अ प्रॉब्लम फॉर अ वाइफ। तो या अच्छा, वैसे जब से इमली ने बंदूकें उठाई हैं तो किसी ना किसी पे तानती रहती है, चाहे वो अपने पति के लिए क्यों। क्या करे, इस लोगों को सीधे मुँह मेरी बात नहीं समझ आती। अच्छा, वैसे विवान का अगर पता चल गया कि आपने ऐसा किया है तब क्या? आई डोंट नो, दैट्स व्हाट इज मेकिंग मी स्केयर्ड कि कहीं हम हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो अभी सिचुएशन कैसे हैंडल कर पाओगी? विथ लव, प्यार से सब हैंडल हो जाता है, बट प्यार का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने पति या बॉयफ्रेंड और जो भी जिसको भी झूठ कहे। सो आई होप कि मैं चीज़ें बेटर कर पाऊँ। थैंक यू।